सिंगल थिएटर में ये फिल्म कमाल करेगी। जो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, उसके साथ तुम आई मीन रिडिकुलस, अगर मैं थोड़ा सा वल्गैरिटी थोड़ा दिख रही थी हल्का हल्का। हाउ इज द फिल्म? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, चलेगी, लग रहा है कॉमेडी इज गुड। राज शांडिल्य हैज बीन डूइंग अ लॉट ऑफ स्टफ। इट्स अ हिट, इट्स अ हिट। फिल्म ड्रीम गर्ल टू अच्छी है, चूँकि हम खुद एक जर्नलिस्ट हैं और हम ये रिव्यूज का लिखने वाले हैं। okay. तो हम आपको ठीक है, हमारा आईडी आपके पास चला जाएगा। हम मूवी अच्छी क्या, कैसी लगी आपको ड्रीम गर्ल टू? राज संदलिया फिर से आगे सीक्वल लिखे, तो मजा आई देखने में, मजा आया। हाँ, फुल एंटरटेनमेंट है, फर्स्ट टाइम के बाद कॉमेडी फिल्म आई है जी, तो थोड़ा अच्छा लगा देखने में। थोड़ा सा वल्गैरिटी थोड़ा दिख रही थी हल्का हल्का, मतलब लेकिन टिक टक थी, ओवरऑल कॉमेडी थी, अच्छे से बनाई है पूरी, मतलब लड़कियों का थोड़ा मजाक जैसा उड़ाया है, लेकिन ओवरऑल ओके। आयुष्मान, मतलब पिछले बार तो सिर्फ कॉल पे पूजा बने थे, इस बार पूरी पूजा बन के आए, बहुत अच्छे लगे, मतलब डांस भी किया है, बहुत पूजा लगे, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा लग रहा था मेकअप वेकअप सही नहीं था, बाद में धीरे धीरे अच्छे लग रहे थे, मतलब आगे के शॉट्स में वो अच्छे लग रहे थे पूजा के रोल में। और पूरा उन्होंने एक्चुअली अपने इंटरव्यू में बोला था कि वो माधुरी दीक्षित को फॉलो करेंगे इसमें, तो वो लगा, मतलब पूरे जलवे दिखा रहे थे। अच्छा अच्छा, डांसर्स भी बहुत अच्छा किया, डांस अच्छा। हाँ हाँ हाँ, दो तीन गाने हैं, गाने हैं, मतलब अच्छा एंटरटेनमेंट फिल्म बनाई है, कोई भी देखेगा मजा आएगा, क्योंकि डायलॉग्स बहुत कॉमेडी है, ओवर एंड ऑल कॉमेडी को टच दे के बनाया है, तो मजा आया देखने में। जो भी अपने कैरेक्टर जो आर्टिस्ट है, राजपाल यादव, परेश रावल जी, असरानी जी है, बोला ना हर सीन थोड़ा कॉमेडी था। okay. वो असरानी ऐसे घूम रहा था व्हीलचेयर लेके, बोला मुझे छोड़ दो वहाँ तक आगे तक ऐसे। तो ओवरऑल पिक्चर में मतलब सब कुछ कॉमेडी टच लेके ही बनाया, कि मतलब हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म हो, वही ध्यान में रख के बनाया। तो मतलब नुसरत थी इसमें अनन्या को लिया है, क्या कैसे लगी? अनन्या अच्छी लगी मुझे सच्ची में, एक्चुअली वो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि उसका बहुत भोला भाला चेहरा है छोटे बच्चों जैसा, लेकिन इसमें मुझे लग रहा है धीरे धीरे ना एक्टिंग का स्कोप उसको कम था काफ़ी, लेकिन है ना ओवरऑल लगी बहुत ब्यूटीफुल है, मैं ये बोल सकती हूँ। और एक्टिंग में भी मतलब अपने हिसाब से उन्होंने ज़्यादा काम तो था ही नहीं, लेकिन जितना भी था मुझे लग रहा है धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अच्छी कर रहे हैं, आगे चल के अच्छा जा सकते हैं। एंड फाइनली एज अ क्रिटिक, लोगों ने टिकट क्यों खरीदना चाहिए ड्रीम गर्ल टू का? अगर एंटरटेनमेंट पसंद है किसी को, और सिर्फ एंटरटेन, दिमाग घर पे रख के आना है, ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। और हर डायलॉग कॉमेडी है, सारे कॉमेडियंस हैं, ओवरऑल पिक्चर पूरी तरह से कॉमेडी है, तो मतलब मज़ेदार है, तो जिसको अगर कॉमेडी पसंद है, हंसना पसंद है, वो जरूर ये फिल्म देखे। आउट ऑफ फाइव? मैं 3 दूंगी। 3, थैंक यू। मुझे कहानी के लेवल पे फर्स्ट वाली ज़्यादा अच्छी लगी थी, ज़्यादा अपील की थी, ये कहानी भी बहुत अच्छी है, ट्विस्ट बहुत है फिल्म में, टर्न एंड ट्विस्ट, लेकिन कहानी के लेवल पे मेरे को पहली वाली से उतनी अच्छी नहीं लगी। हालांकि सीमा पाहवा हो, चाहे अनु कपूर हो, या परेश रावल हो, और साथ में असरानी जी, विजय राज है, विजय राज ने भी बहुत हंसाया, और आर्टिस्ट सारे बहुत अच्छे थे, पंचत भी बहुत, कुछ कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ कुछ बहुत सतही थे, उनको हम अगर छोड़ दिया जाए तो फिल्म अच्छी थी ओवरऑल एंजॉय करने वाली। ओके, आयुष्मान कैसे लगे लड़की? आयुष्मान ने पूरी फिल्म उनके कंधों पर थी, और वो उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया दोनों का कैरेक्टर, और जल्दी से स्विच ऑन होना इंटरेस्टिंग लगा उनका, और बहुत टैलेंटेड एक्टर हैं। हालांकि मुझे लग रहा था कि दोनों में एज डिफरेंस दिखेगा, थोड़ा सा दिखा भी, लेकिन फिर भी दोनों का पेयर अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था। ओके, लेकिन पहले में नुसरत थी इसमें, अनन्या को लिया, क्या लगता है कि नुसरत को? देखिए यार, नहीं ऐसा नहीं, ठीक ठाक लगे, बट म्यूजिक पहले से ही हिट हो चुका है, सिंगल थिएटर में ये फिल्म कमाल करेगी, और जो बहुत मासी है फिल्म जी, तो उस ऑडियंस को बहुत लुभाएगी, सिंगल स्क्रीन्स में ज़्यादा करेगी। पहली वाली ने तो काफ़ी बढ़िया कमाए, 100 करोड़ कमा लिया। हाँ, पहली वाली ने, जबकि उस समय भी उतना कोरोना और वो सब चीज़ था थोड़ा थोड़ा, तो मुझे ये लगता है कि ये फिल्म भी अच्छा करेगी बिजनेस। फाइनली आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग रहेगी फॉर ड्रीम गर्ल 2?
तीन से साढ़े तीन के बीच में कहीं देना चाहूँगा। अमेजिंग मूवी, मेरे को बहुत मज़ा आया, हर हर डायलॉग में पंचेस थे, हर जगह पे कॉमेडी थी, बहुत अच्छा लगा ये मूवी को देख के। फुल एंटरटेनमेंट मूवी है, मुझे लगा था कि यार अभी मतलब गदर 2 ने मचा दिया है, ओ माय गॉड ने मचा दिया है, तो मुझे लगा कि अभी इनकी मूवी मचा पाएगी कि नहीं मचा पाएगी, बट सच में ये मूवी बहुत अच्छी थी और ये मूवी ने भी फुल पैसा वसूल कर दिया है। हाँ, और करेगी भी, पैसा वसूल कर दिया है इसने। नहीं वहाँ मतलब मुझे तो देख के लग रहा है कि मैंने जो पैसा डाला वो वसूल है। हाँ, वो वसूल है। कौन सा ऐसा कॉमेडी आपको पंच याद आ रहा है फिल्म से? यहाँ पे राजपाल यादव जो बीच बीच में अपने पंचेस देते थे वो मुझे बहुत ज़्यादा बेस्ट लगे, मतलब ये लोग सैड मूड में आते थे और फिर बाद में अचानक से कॉमेडी डाल देते थे, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी। मूवी का ग्राफ अप 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 ही जा रहा था, तो वो बहुत अच्छा लगा मेरे को। फैमिली मूवी है, फैमिली में हर किसी को इस वीकेंड जाना चाहिए, देखना चाहिए, सो वो चीज़ करो हर कोई, देखना चाहिए। हाँ ऑफकोर्स। हाँ हाँ हाँ, लास्टली क्या रेटिंग रहेगी, क्या रेटिंग रहेगी? आउट ऑफ 5 out of 4 देना चाहूँगा मैं इस मूवी को। यस ओके। तो ड्रीम गर्ल 2 जी आज प्रीमियर था, फिल्म का रिलीज कल है जी। और फिल्म में जैसे कि आपने कहा दिग्गज कलाकार हैं, अनफॉर्चुनेटली उन कलाकारों को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया है वो एक मैं कहूँगा कि बहुत ही मीडियोकर फिल्म बनाई गई है, और एज एन ऑडियंस आई डू नॉट रियली एंडोर्स सच अ फिल्म, आई डू नॉट लाइक सच अ फिल्म, आई वुड नॉट रेकमेंड एनीबडी टू गो एंड वॉच सच अ फिल्म। अगर यू आर आस्किंग, और एक पूरा प्लॉट जो है इट इज़ बेस्ड ऑन अ मैन ड्रेसिंग इन ड्रैग एंड लोग उसे लड़की समझ रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले करीब 7-8 दिन हो गए जियो सिनेमा पर ताली रिलीज़ हुआ था सुष्मिता सेन का, तो उसमें सुष्मिता सेन हु इज़ मिस यूनिवर्स, शी वॉज ड्रेस्ड इन शी वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ अ यूनक, एक हिजड़े एक छक्की का रोल की थी, बट शी लुक्ड सो बिलीवेबल, शी इज़ अ वूमन, बट द वे शी, इट वॉज अ सीरियस रोल, इट वॉज अ मीटी रोल। अगर उसके साथ मैं इसको टैली करूँ, इसको कंपेयर करूँ, तो जस्ट इमेजिन, आई मीन जस्ट इमेजिन द प्लॉट, एक लड़का है, फॉर इंस्टेंस आई, मैं कल किसी को पटाने के लिए लिपस्टिक, काजल, वो विग, वो घाघरा चोली पहन के मैं रस्ते में निकलूँ, कोई भी मुझे लड़की समझेगा इन दिस प्रॉपर सेंस ऑफ माइंड, कोई भी मुझे लड़की समझेगा, कोई भी लड़की नहीं समझेगा, एंड इट्स अ फैक्ट। और फिल्म में दिखाया जा रहा है कि वो पूरा का पूरा सब पागल हो जा रहा है उसके पीछे। कौन पागल हो, यू आर यू डू डू व्हाट एग्जैक्टली आर यू एंडोर्सिंग, ड्रीम गर्ल बन रहा है सब। हाँ, बहुत ज़्यादा ड्रीम, इतना वही मतलब, इज दिस द एग्जैक्टली इज दिस द पैरामीटर ऑफ बींग अ ड्रीम गर्ल, और डू यू लाइक men dressing in drag or calling themselves a girl, or you fantasize about such women or such men who actually like dressing in drag, aur tum unko dekh ke fantasize karte, is that what dream girl means to you, or the entire term means to you? Dream girl Hema Malini, uske sath tum, I mean ridiculous, agar main mere dimag mein itna comparisons abhi ghoom rahe hain na picture dekhne ke baad, picture dekhne ke waqt mujhe hansi main to bolunga nahi aayi, jab bhi maine hansa it was out of sarcasm, इट वॉज आउट ऑफ सकैज़म, मतलब वो लास्ट में आयुष्मान खुराना का एक सॉलिलोक्वी है, मतलब वो बड़ा सा लंबा सा भाषण दे रहे हैं, तो वो भाषण जब दे रहे हैं तब वो दिखा रहा है कि मतलब एक लड़का प्यार में पढ़ के क्या कुछ नहीं कर जाता। तुम कहना क्या चाहते हो, वॉट आर यू ट्राइंग टू, वॉट मैसेज आर यू ट्राइंग टू सेंड टू द पब्लिक, कि तुम लड़की, हाँ तुम लड़की बन के, और लड़की बन के नहीं, यू आर ड्रेसिंग इन ड्रैग, तुम लड़की तो बन नहीं सकती, तुम लिपस्टिक, काजल, आई लैश, वो विग, घाघरा चोली, चूड़ी वूड़ी पहन के तुम घूमो दूसरे लड़कों को फंसाने के लिए, हाँ दूसरे लड़कों से पैसे ऐटने के लिए, क्योंकि तुम एक जवान मर्द हो, तुम्हारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि 6 महीने में एक जॉब ढूंढ लो, आई वॉट इज़ दैट, what are you, this is a comedy film, very very disappointed, yes exactly, Dream Girl 2 matlab second part banane ki zarurat nahi thi, are nahi ekdam nahi ekdam nahi, are first part itna acha tha, and one big question to the makers is why did Nusrat Bharucha, why was she replaced in the second film, what made the makers bring in Ananya Chopra, Rupin Ananya Pandey in the film, and she cannot act, she cannot act, look at her dialogue delivery, dekh ke hansi aa rahi thi mujhe, जिनके 10 डायलॉग थे लेकिन वो भी, हाँ हाँ वही मतलब इट वॉज डिलीवर नहीं कर, हाँ वही फिल्म में दिखाया गया है आयुष्मान खुराना के जवान मर्द के पीछे सीमा पावा पागल हो जा रही है। सीमा पावा इज सच ए वंडरफुल एक्ट्रेस, व्हाट मेड हर चूज दिस रोल और से यस टू इट, कि मैं कॉमेडी कर रही हूँ, मैं दिखाना चाह,
इट वॉज रिडिकुलस यार. मतलब मैं कॉमेडी क्या बोलूँ. व्हाट विल बी योर रेटिंग आउट ऑफ 5? 4 1 आउट ऑफ 5. 1 आउट ऑफ 5 यस. 1 स्टार. फिल्म देखिए आई मीन एवरेज ही है. बस एक चीज़ की कमी है कि अगर इसमें नुसरत अगर होती तो एज एन और बेटर होता. और आई मीन पहले वाली जो ड्रीम गर्ल देखी थी तो पहले वाली की तो बात ही कुछ और थी. जिस तरीके से फिल्म को बनाया था, जिस तरीके से फिल्म को डायरेक्ट किया था, जिस तरीके से फिल्म का म्यूजिक था, आई मीन फिल्म राउंड अप घूम रही थी और उसमें जो आवाज़ थी, जो लड़की पूजा की जो आवाज़ थी, जो मतलब सबको ही पागल कर दिया था. हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि पूजा को बना दिया गया है और लड़की बना दिया गया है कि दो दो किरदार एक बसते. उसमें काफ़ी सारे फ्रेम थे, काफ़ी ये फिल्म को काफ़ी सारी जगह मतलब आई मीन कुछ ही जगह पर मोस्टली ज़्यादातर शूट किया गया है. और अगर देखा जाए तो मेन अगर फिल्म नवजोत को काफ़ी दिखाया गया है. नवजोत का मेन एक्चुअली देखा जाए तो मेन पार्ट उसका है. काम अच्छा है, काम नवजोत को काम अच्छा दिया है. और उस एक्चुअली देखा जाए तो पिक्चर का एक पार्ट उसी के ऊपर ही चलता है. जो आयुष्मान अगर करता है तो मोस्टली उसी के लिए करता है. खुद के प्यार के लिए तो कर रहा है लेकिन उससे ज़्यादा वो उसके लिए करता है. और अनु कपूर जी की बात की जाए तो उनके तो बात कहनी आई मीन उनके लिए तो वर्ड ही नहीं है. उनके तो एक एक पंचेस, उनकी एक एक अदाकारी. और दूसरा अपना परेश रावल जी हो गए, प्लस विजय राज जी हो गए, समय जी, उन लोग के अलग अलग पंचेस, अलग अलग चीज़ें. वो तो एक अलग कहानी कैसे लगी इस बार की, जो सिक्वल टाइप का ये सिक्वल था. मैंने कहा ना कि जो पहले वाली फिल्म थी, पहले जो ड्रीम गर्ल बनाई गई थी उसके बेस पे इतना नहीं है. मतलब है एज इन एवरेज, वो लेवल पे नहीं है बट एवरेज है. जिस तरीके वैसे पंचेस भी नहीं, पंचेस हैं बट जो मेन मेन हैं, गिने चुने पंचेस हैं, जैसे परेश रावल जी के हैं, विजय राज जी के, हाँ राजपाल यादव हो गए, और बस मेन वो ऐसा लगा जैसे 8-10 पंचेस हैं उसमें, मूवी ख़त्म हो जाती है. फाइनली क्या रेटिंग रहेगी? लेकिन रेटिंग से पहले अनन्या पांडे कैसे लगे? अनन्या पांडे आई मीन इतना काम दिया नहीं है उसको, बट ये कि उसको ठीक ठाक है. आई मीन अगर उस बाई फिल्म के तरीके से देखा जाए तो अगर नुसरत को ले लिया होता तो बेटर होता, ठीक है ना. आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग? मैं 5 में 2 ड्रीम गर्ल 2 मैं 5 में से 3 देना चाहूँगा. 3? हाँ, बट उसमें एक चीज़ क्या है, ये कि फैमिली आई मीन देख सकते हैं, वन वॉच मूवी है, लोग जाएंगे जाके देख सकते हैं. बट उसमें जो कुछ पंचेस हैं, जैसे परेश रावल जी ने बीच बीच में पंचेस किए हैं, उनका था ना कि शिल्पा लेके तो हम शिल्पा शेट्टी आए थे और सुनील शेट्टी नहीं आया, और वो सनी देओल और सनी देओल लियोनी वाला पंचेस था. आई मीन है पंचेस, बीच बीच में एंटरटेन करेगी मूवी, बट इट्स एवरेज. एवरेज का वर्डिक्ट दिया है शान सर ने. थैंक यू.